गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश वेलकम्स यू वंस अगेन डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग केस के बारे में बात किए थे बच्चे, यानी टेंथ वीडियो में केस के बारे में मैं डिटेल से बताया था, उसी का रेस्ट हिस्सा बच्चा आज बचा हुआ है। यानी आज का वीडियो जो है वो 11th वीडियो यानी इनकलाबी सीरीज़ बी में आज का वीडियो है जो बच्चे, ये 11th वीडियो है। और इसको आज कायदे से, कल जो मैं पूरा थ्योरी बताया था, आज इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को और प्रैक्टिकल पार्ट को देख रहे हैं, इसीलिए हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। देखो मैं डायरेक्ट बच्चे आता हूँ विदाउट जस्ट मेकिंग डिले टू द पॉइंट, एंड यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गोइंग टू द डेप्थ एंड इन डिटेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल यू स्टूडेंट। अगर इस बात को आज समझ जाते हो बच्चे तो धमाका मचा के रख दोगे अंग्रेजी के फील्ड में, ठीक है ना। और एक बात, दूसरी बात, इस बात को ये भी याद रखना कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे इससे रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, तो इन बातों को भी ध्यान में रखनी है। तो देखो बच्चों, कल हम लोग बात किए थे केस का, और केस के बारे में क्या बताए थे जी, ये नाउन या प्रोनाउन का एक फॉर्म होता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का एक फॉर्म होता है कौन, केस, और जो अपना रिश्ता या अपना संबंध को सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ में बताता है। ये बातों को कायदे से बता दिया हूँ कल, और मैं बताया कि मेजर जो है 3 काइंड्स ऑफ केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो हमने बताया कि जितना भी पर्सन है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये 7 पर्सन जो है, ये सारा का सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो मैं सारी चीज़ों को बता दिया हूँ, सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तो मी होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है तो अस है, उसी तरीके से दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है तो देम है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हर है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम है, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है इट ही है। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को पिछले वाले वीडियो यानी 10th वीडियो में बता चुका हूँ। आज देखना कि कितना मज़ा वाली बात, कि इससे पहले कोई नहीं तुमको बताया होगा, या फिर बताया होगा तो कॉन्फिडेंट तुम में क्रिएट नहीं किया होगा। आज समझना और हमेशा हमेशा के लिए इसका प्रॉब्लम ख़त्म। देखो बच्चे, अंग्रेजी में जैसे हम लोग देखें कि आई, तो आप सारे बच्चे याद कर लिए होंगे कि आई का पजेसिव केस क्या होता है, तो माई और माइन कल बताए हुए हैं। तो याद रखना बच्चे, इधर जो बताए थे हम कि आई का पजेसिव केस माई या माइन, वी का बताए थे आवर या आवर, आवर्स, और यू का ऑब्जेक्ट पजेसिव केस बताए थे योर या योर्स, फिर ही का पजेसिव केस बताया हिच, और सी का हर या हर्स, और दे का डियर या डियर्स। तो हमने ये यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बच्चे कि ठीक है, पजेसिव केस क्या था, माई या माइन, तो हम माइन को भी छोड़ रहे हैं, यानी ओब्लिक से इधर वाले को, यानी कल वाला वीडियो देखना, ओब्लिक से इधर वाले को यानी राइट वाले को हम छोड़ रहे हैं, यानी लेफ्ट वाले को ले रहे हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना बच्चों कि ओब्लिक से उधर वाला जितना था, यानी आई का माई, ठीक है, माइन को छोड़ दिए, और वी का आवर, आवर्स को छोड़ दिए। तो याद रखना बच्चा हमेशा कि पजेसिव के, अच्छा उसमें भी दो हिस्सा है कि माई और माइन में क्या फ़र्क है, याद रखना बच्चे, माइन और आई का पजेसिव केस माई और माइन, तो माई और माइन में क्या फ़र्क है कि एक पजेसिव एजेक्टिव है, एक पजेसिव प्रोनाउन है, माई जो है पजेसिव एजेक्टिव है और माइन पजेसिव प्रोनाउन है, क्लियर ना। तो हम अभी सिर्फ पजेसिव एजेक्टिव का बात कर रहे हैं बच्चे, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में यानी माइन, जैसे बोल सकते हैं कि ये मार्कर मेरा है, तो दिस इज़ माई मार्कर या दिस मार्कर इज माइन, तो दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है ये बात को मैं बाद में बताऊंगा कि माइन और माई में क्या फ़र्क है। लेकिन अभी ये सिंपल इतना याद रखो कि माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है और माई जो है ये पजेसिव एजेक्टिव है। तो हम आज पजेसिव एजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखना हमेशा कि आई का पजेसिव एजेक्टिव क्या होता है माई, और वी का पजेसिव एजेक्टिव आवर, यू का पजेसिव एजेक्टिव योर, ही का पजेसिव एजेक्टिव हिज, और सी का पजेसिव एजेक्टिव हर, और दे का पजेसिव एजेक्टिव डियर। तो अभी तक बच्चे जब हम लोग ये जानते हैं कि माई का मतलब क्या होता है, मेरा मेरे या मेरी, आवर का मतलब हमारा हमारे हमारी, और मतलब तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, आपका आपके आपकी, हिज मतलब उसका उसके उसकी, हर का मतलब भी वही, और दियर का मतलब उनका उनके उनकी, या उन लोगों का उन लोगों के उन लोगों की। तो अब जान रहे हो बच्चे हमेशा कि माई का मतलब मेरा मेरे मेरी होता है, लेकिन आज ये जानना कि माई का मतलब अपना अपने अपनी भी होता है। मतलब हुआ ये कि अगर फिक्स अंग्रेजी अपना का क्या होगा तो वो फिक्स नहीं है, कि कभी नहीं बोल सकते माई का मतलब अपना अचानक, कि अपना एक अपना लफ्ज़ है, अपना अपने अपने उसके लिए एक लफ्ज़ बोलो तो नहीं होगा, वो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से होगा। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट आई है और उसी हिंदी वाक्य में अपना लफ्ज़ आ गया है तो अपना का अंग्रेजी माई होगा। सब्जेक्ट अगर वी है, उसी किसी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट वी है
और क्या कहते हैं, अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं कोई हिंदी सेंटेंस है, ट्रांसलेशन बनाते समय उस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी आ रहा है और उसी वाक्य में अपना भी अंग्रेजी आ गया है, एक लफ्ज अपना भी आ गया है, तो उस अपना वर्ड का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, आवर होगा। कहने का गर्ज ये है कि याद रखना बच्चे कि माई का मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, ये सब तो होता ही है, लेकिन ये सब जितना भी वर्ड है इसका मतलब अपना, अपने, अपनी भी होता है। तो कब होता है, तो इस बात को देखो प्रैक्टिकली भी करा रहे हैं तब जहन में रहेगा। कि याद रखना इस पॉइंट को भी याद रखना कि सबसे पहले तो याद रखना कि माई का मतलब मेरा, मेरे, मेरी होता ही है, लेकिन उसका मतलब अपना, अपने, अपनी भी होता है, यानी जितना भी वर्ड है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका मतलब, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चे, ये सबका मतलब अपना, अपने, अपनी भी होता है। एक बात, दूसरी बात कि हम कैसे जानेंगे कि कब क्या होगा सर, तो याद रखना ये एनबी में नोट में एक अच्छी पॉइंट बताए हैं कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट पता हो, ठीक है जी, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट पता हो कि उसका सब्जेक्ट आई है या वी है या यू है या दे है, ठीक है, पता हो, और उसी हिंदी वाक्य में, ठीक है, याद रखना जो जो वाक्य है, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट पता हो और उसी हिंदी वाक्य में अपना, अपने, अपनी शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इन शब्दों का अंग्रेजी उसका पजेसिव केस होगा। खास करके बच्चे याद रखना पजेसिव केस यहाँ पर जो बोले, तो पजेसिव केस होगा तो इसमें याद रखना पजेसिव एडजेक्टिव वाला पोर्शन। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा बच्चे, यहाँ पर देखो कि मैं दिल से याद करता हूँ अपना सबक, तो यहाँ पर देखो ये शब्द मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और दिल से ये क्या है बच्चे, रेस्ट है। ये सारी बातों को देखो, सारे वाक्य को मैं जानबूझ करके प्रेजेंट इंडिफिनिट पे रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ कि अभी हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जारी ही है, अभी बहुत सारी बात बतानी है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये रेस्ट है, अब उसके बाद देखो याद करता है ये क्या है बच्चे, वर्ब है, सारे लोग जान रहे हैं, और अपना सबक ये देखो ऑब्जेक्ट है बच्चे। उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि हम लोग अपना मुल्क से प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं ये वर्ब है, और यहाँ पर हम लोग जो है बच्चे ये सब्जेक्ट है, अपना मुल्क से मतलब को, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो गौर से यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, हर वाक्य में देखो यहाँ पर भी अपना है, यहाँ पर भी अपना है, यहाँ देखो तुम अपनी मम्मी को तंग करते हो, तो अपनी मम्मी आ गया, ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से वो अपनी बहन को अंग्रेजी पढ़ाता है, तो देखो तो अपनी बहन आ गया। उसी तरह से वो अपना भाई को GKGS पढ़ाता है, पढ़ाती है, देखो अपना भाई आ गया। उसी तरह वे लोग अपना काम ध्यानपूर्वक करते हैं, देखो तो अपना काम आ गया, ठीक है। उसी तरह से रानी और मोनी अपने शिक्षक की इज्जत करता है, तो अपने शिक्षक की, तो याद देखो कि अपने, अपना, अपनी आया है। तो आप देखना हर वाक्य में अपना, अपने, अपनी का अंग्रेजी अलग अलग होगा। अभी तुम गौर से देखो सारे बच्चे, यहाँ देखो बच्चे सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। तो इस वाक्य में देखो यहाँ पे कि मैं अपना सबक याद करता हूँ दिल से, तो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है जी इसमें मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या था आई, तो ये बच्चा खत्म। उसके बाद फार्मूला क्या है जी, वर्ब है, यानी सिंपली अगर कहें तो सब्जेक्ट प्लस क्या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यही है प्रेजेंट इंडिफिनिट का फार्मूला, इसी फार्मूला पर बनाएंगे सारा वाक्य को। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद क्या, वर्ब, वर्ब कौन है जी, याद करना, याद करना का अंग्रेजी क्या होता है, रीमेम्बर, रीमेम्बर, तो आई रिमेम्बर। तो ये बच्चा देखो खत्म हो गया, सब्जेक्ट भी खत्म, वर्ब भी खत्म। अब उसके बाद क्या है फॉर्मूला जी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है जी, अपना सबक, और सबक का अंग्रेजी क्या होता है जी, लेसन। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप सस्पेंशन में बच्चा आएगा कि अपना का अंग्रेजी क्या लिखे अपना, तो याद रखना बच्चे कि यहाँ पर क्या लिखाया है कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट पता हो, और हमको सब्जेक्ट पता है क्या है, सब्जेक्ट जी आई है, तो क्या कहे कि और उसी हिंदी वाक्य में अपना, अपने शब्द लफ्ज आ जाए, यानी अपना आ गया है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इन शब्द का अंग्रेजी, यानी इस अपना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, उसका पजेसिव केस होगा। और हम लोग जानते हैं आई का पजेसिव, कल वाले क्लास को ध्यान से देखना, आई का पजेसिव क्या है जी, माई है, इसीलिए अपना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, यहाँ पर अपना का अंग्रेजी माई होगा, तो आई रिमेम्बर माई, यानी अपना का अंग्रेजी क्या हो गया, माई, और लेसन जो है ये क्या है,
यहाँ पे लेसन माई लेसन, ये तो ये दोनों मिला करके क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अपना का अंग्रेजी माई हुआ और ये सबक जो है सबक का अंग्रेजी लेसन, तो आई रिमेम्बर माई लेसन, तो ये ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, रेस्ट बचा, रेस्ट कौन है, दिल से, और दिल से का अंग्रेजी बताए हुए हैं 5500 मरतबा के 8 हार्ट। सारे वीडियो को बच्चे प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं स्टार्ट किया हूँ, आज का 11th वीडियो है, यानी सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड 11 वीडियो आज का होने जा रहा है। मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को बहुत डिटेल से बताया है, कोई किताब में इतनी चीज़ नहीं है, तुम देख लेना जितनी भी मार्केट में किताब है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड इफ यू फॉलो दिस वेरी आइटम्स वेरी वेल डियर स्टूडेंट्स, माई हार्ट विल गेट हाईली 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 हैप्पी एंड इन दैट वेरी सिचुएशन आई विल जस्ट आई कैन से दैट कि यू स्टूडेंट ऑफ रिवाइज इच एंड एवरी थिंग वेल, दैट मीन्स आई विल बी हाईली सेटिस्फाइड। That is why each and every student must watch the video very carefully and try to understand the items, and then after understanding shape in your brain forever, it will help you to a great extent, whether maybe in retained English, whether maybe spoken English, whether maybe anything, and you shall be in future, you shall be preparing for UPSC examination, there all the things will be into English. The there if you just want to understand each and every items well, then there is strength, these very basic items must be understood by you first, only then you in future you will feel very easy, otherwise it will be very tough task to understand the higher level things in different competitive examination. तो अब देखो बच्चे, see the next sentence. हम लोग अपना मुल्क से, देखो इसमें भी अपना आ गया, आप देखना अपना का अंग्रेजी यहाँ अलग हो जाएगा। हम लोग अपना मुल्क से प्यार करते हैं, सबसे पहले जी प्रेजेंट इंडिफिनिट है या नहीं है, बिल्कुल है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हम लोग का अंग्रेजी सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है जी, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है जी, वी, तो वी दे दिए तो सब्जेक्ट खत्म हुआ। उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो, वर्ब क्या है, प्यार करना, प्यार करना का क्या होता है, लव, तो वी लव, तो पता ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट दो, तो ऑब्जेक्ट क्या है जी, अपना मुल्क, मुल्क का अंग्रेजी क्या होता है जी, हम लोग जो प्यार करते हैं किससे, अपना मुल्क से, मतलब अपना मुल्क को, कहीं ना कहीं को आ रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। लेकिन मुल्क का अंग्रेजी क्या होता है, कंट्री, और अपना का अंग्रेजी क्या होगा, तो फिर फंस रहा है। तो याद रखना जी, अब यहाँ पर ऊपर में अपना का अंग्रेजी माई दिए थे, लेकिन यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या देंगे, आवर देंगे बच्चे, क्यों, किसका सब्जेक्ट, की याद रखो किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, और इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वी है, और वी का पजेसिव केस क्या होता है, आवर, और आवर से होता है, लेकिन हमने बोला है कि वो भी पजेसिव केस में, पजेसिव प्रोनाउन को नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव को देंगे, तो वी लव, तो इसका पजेसिव केस क्या हो, यानी पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो, कल वाला वीडियो देखना, तो आवर होगा, तो वी क्या हो जाएगा बच्चे, वी लव आवर कंट्री। तो आप देख रहे हो बच्चे, वही शब्द है यहाँ पे, ये भी वाक्य दुरुस्त है और ये भी वाक्य दुरुस्त है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, तो इसका अगर वाक्य का, तो अपना का अंग्रेजी इस वाक्य में क्या होगा, माई, और सब्जेक्ट वी है, और उसी वाक्य में अपना शब्द आ गया है, तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, आवर। तो पता ये चला बच्चे, इस पावर को, ये आवर, आवर इस आवर वाला पावर को हमेशा याद रखना बच्चे, कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क महान है, आवर कंट्री इज ग्रेट, तो ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते, आवर का मतलब हमारा, हमारे, हमारी होता ही है, लेकिन उसके अलावा आवर का मतलब क्या क्या हो रहा है देख रहे हो, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन और दूसरे तरीके से कुछ भी नहीं बन सकता है बच्चे। और इसका यह भी मतलब नहीं लगाएंगे कि हम लोग हमारा मुल्क से प्यार करते हैं, ऐसा बोलना तो उचित नहीं लग रहा है ग्रामेटिकल के लिहाज से या हिंदी व्याकरण के लिहाज से। अब यहां देखो, आई रिमेंबर माई लेसन, मैं अपना सबक याद करता हूं दिल से, मैं मेरा सबक याद करता हूं दिल से, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसीलिए हमेशा याद रखना बच्चे, इसका हिंदी शुद्ध क्या है, आई रिमेंबर माई लेसन एट हार्ट, मैं अपना सबक दिल से याद करता हूँ, और वी लव आवर कंट्री, और हम लोग अपना मुल्क को प्यार करते हैं, तो इस वाक्य में मतलब देखो यहाँ पर, तो हम लोग अपना मुल्क को प्यार करते हैं, देखो अपना का अंग्रेजी क्या हो गया, आवर। और उसी तरीके से यहाँ देखो जी, तुम अपनी मम्मी को तंग करते हो, तो इस वाक्य में देख रहे हैं जी, ये तंग करना ये क्या है जी, तंग करना ये वर्ब है, और अपनी मम्मी को ये ऑब्जेक्ट है, दे दिया हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और इसमें यू जो है बच्चे ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो देख ही रहे हैं, तुम अपनी मम्मी को तंग करते हो, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट धकाधक बनाओ, कोई दिक्कत न है, तुम मतलब क्या जी, यू, तो ये बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद क्या देंगे फॉर्मूला, वर्ब, वर्ब क्या है जी, तंग करना, तंग करना मतलब डिस्टर्ब, तो यू डिस्टर्ब हो गया ना, ये बच्चा खत्म हो गया। अब बच्चा क्या जी, अपनी मम्मी को, अब बताओ जी अपनी का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, तो इसीलिए हो जाएगा योर मदर, यू डिस्टर्ब योर मदर, समझ रहे हो सारे बच्चे। तो देखो यहाँ पर बच्चे गौर से, कि यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या हो गया, योर, यहाँ पर हो गया आवर, और यहाँ पर अपना अपनी का माई हो गया। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो, वो अपनी बहन को अंग्रेजी पढ़ाता है, तो गौर से यहाँ पर देखो बच्चे, कि वह क्या है, ये सब्जेक्ट है, और अपनी बहन को ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अंग्रेजी ये भी ऑब्जेक्ट है, पढ़ाता है, ये क्या है जी, वर्ब, दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो तो वह,
अपनी बहन को अंग्रेजी पढ़ाता है, मतलब कोई मेल है, तो मतलब क्या होगा जी, ही सबसे पहले सब्जेक्ट, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, ये बच्चा खत्म, और पढ़ाता है, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है जी, टीच, और टीच का क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए टीचेज हो जाएगा। तो पता ये चला कि ये खत्म हो गया, वो पढ़ाता है, तो ये खत्म, अब बचा क्या जी, ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले हम इनडायरेक्ट को रख देते हैं, अपनी बहन का अब अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, तो याद रखना हमेशा कि अपनी बहन का अंग्रेजी होगा कि सब्जेक्ट ही आ गया है, इसीलिए मतलब ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो हिज सिस्टर हो जाएगा, हिज अपनी बहन को, तो हिज सिस्टर, तो ये बच्चा यहाँ तक खत्म। अब बच्चा क्या जी, अंग्रेजी, अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो क्या हो गया राइट ट्रांसलेशन, ही टीचेज हिज सिस्टर इंग्लिश, सेंटेंस राइट है। अब देखो यहाँ अपना अपना अपनी की अंग्रेजी क्या हो गया, हिज हो गया। उसी तरीके से आगे देखो बच्चे, यहाँ पर वह अपना भाई को जी के जी एस पढ़ाती है, तो अपना भाई को जी के जी एस पढ़ाती है कौन, वह, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जी के जी एस क्या हो गया जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पढ़ाती है वर्ब, तो वह पढ़ाती है मतलब कोई फीमेल है, तो वह का अंग्रेजी इसको खत्म करो सबसे पहले देकर के, क्या होगा जी, सी, और क्या कहते हैं उसके बाद वर्ब दो, पढ़ाना, पढ़ाना का क्या, टीच, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए भी फाइव ला हो जाएगा, यानी सी टीचेज, ये पर खत्म। अब क्या बचा जी, अपना भाई को जीके जीएस पढ़ाती है, इस वाक्य में क्या किए थे कि यहां से हिज सिस्टर और इंग्लिश, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी नियम है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखेंगे, सिंपली पहले इनडायरेक्ट को तब डायरेक्ट को, अगर डायरेक्ट को पहले रखेंगे इनडायरेक्ट को बाद में, तो बीच में प्रीपोजिशन टू देना होगा, तो इस वाक्य में करके दिखाते हैं, क्योंकि सेम चीज है, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं, तो सी टीचेज क्या जी, पहले डायरेक्ट को रखते हैं जीके जीएस, तो सी टीचेज जीके एंड जीएस, ठीक है, अब ये बच्चा खत्म हो गया, अब रखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी अपना भाई का, तो अपना भाई का अंग्रेजी सबसे पहले दिया जानो कि अपना भाई का अंग्रेजी क्या होगा जी, तो अपना, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, सब्जेक्ट क्या है सी, और सी सब्जेक्ट है, तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर, तो हर ब्रदर, सी हर ब्रदर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये भी खत्म हो गया, ओके खत्म हो गया, लेकिन याद रखना बच्चे बताए थे ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर डायरेक्ट को पहले रखें इनडायरेक्ट को बाद में रखें, तो बीच में प्रीपोजिशन अपने से टू जोड़ना होगा और राइट होगा, सी टीचेज जीके एंड जीएस टू हर ब्रदर, तो हो गया इस तरीके से वाक्य, देख रहे हो अब अपना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया जी, हर हो गया। अगला वाक्य देखो, वे लोग अपना काम ध्यानपूर्वक करते हैं, तो करते हैं ये क्या हो गया जी, वर्ब, और वे लोग सब्जेक्ट है और अपना काम ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, और ध्यानपूर्वक ये रेस्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है जी, दे, तो पता चला ये खत्म, उसके बाद वर्ब दो, वर्ब क्या है, करना, करना का अंग्रेजी क्या होता है जी, डू, तो डू दे दिए, तो पता चला ये खत्म हो गया। अब क्या जी, ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, और अपना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या होगा बच्चे, अपना का अंग्रेजी, क्योंकि सब्जेक्ट दे है, तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, कल वाला वीडियो को गौर से देखना, दे का क्या होता है, डियर होता है, तो दे डू डियर वर्क हो जाएगा, अपना काम का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया जी, डियर वर्क, और अपना का अंग्रेजी यहाँ क्या हुआ, डियर, क्योंकि सब्जेक्ट दे है, तो पता ये चला कि अपना काम ये खत्म हुआ, सब्जेक्ट भी खत्म, वर्ब खत्म, ऑब्जेक्ट खत्म, और बचा क्या जी, रेस्ट, और रेस्ट कौन है, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक का अंग्रेजी क्या होता है, अटेंटिवली, अटेंटिवली, तो इस तरीके से बच्चे देख रहे हो कि हर स्थिति में अपना का अंग्रेजी बदल रहा है, और उसी तरीके से आगे वाला वाक्य देखो कि रानी एंड मोनी अपने शिक्षक की इज्जत करती है, तो इज्जत करती है वर्ब किसकी, तो अपने शिक्षक की, और ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है जी, रानी एंड मोनी, तो रानी एंड मोनी लिखो सब्जेक्ट, रानी एंड मोनी, और उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो, इज्जत करना, इज्जत करना मतलब रिस्पेक्ट, रानी एंड मोनी रिस्पेक्ट, तो ये बच्चा भी खत्म और ये सब्जेक्ट खत्म। आप क्या है जी, अपने शिक्षक के, अब सवाल उठता है कि अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रानी सिर्फ रहता तो वहां पर तब हर देते, एक नाम अगर रहता, लेकिन यहाँ दो नाम है, रानी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मोनी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन दो सिंगुलर नंबर मिल गया तो क्या हो गया, प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, ये थर्ड पर्सन प्लूरल, और हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल किसको कहा जाता है, दे को, और दे का पजेसिव केस क्या होता है, दियर होता है, इसीलिए ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, तो इसका भी पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस क्या होगा बच्चे, दियर होगा, इसीलिए मतलब यहाँ पर अपना शिक्षक का अंग्रेजी, अपने शिक्षक की अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पर, दियर टीचर, दियर टीचर। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इन बातों को तुम समझ गए होगे, और इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच छह बार करके देखना, और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आइटम्स इन द वीडियो ऑफ टेंथ, इन टेंथ वीडियो व्हाट एवर थिंग्स थियोरेटिकली आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड थ्रू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश, और इनकलाबी सीरीज गोइंग ऑन, इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन, और इसका आज वाला जो वीडियो है इसको कायदे से समझने के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बेहतर तरीके से एकदम बिल्कुल
कुल लारा भोटी सब कुछ समेत कम्प्लीटली सारी चीज़ समेत तुम अगर समझना चाहते हो तो 10th वीडियो को कायदे से देख लो, उसमें थियोरेटिकल पार्ट है। और इसमें देखो बच्चे, यहाँ पर आज प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हमने यानी प्रैक्टिकली दिखा दिया कि अपना का अंग्रेजी क्या क्या होता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट अलग है, अगर उसी वाक्य में अपना लफ्ज आ गया है तो उसका अंग्रेजी अलग अलग होगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरह से आई होप योर स्टूडेंट कि यू कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल एंड इन फ्यूचर इफ दीज ऑल द आइटम्स मस्ट बी केप्ट इन योर ब्रेन योर स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड आई थिंक यू मस्ट be fluent in English especially, and these all items are very very important, and I hope that if each and every student very honestly and carefully try to understand, no force in the world can make you stop speaking English. That is why dear student, enjoy this very channel and enjoy learning English language and literature, and I hope that you each and every student will be very very bright in future in the field of English language and literature, and I will try my best to give you best, but you each and every student will have to understand each and everything in a best way. Thank you very much, wishing you all the best, enjoy your life happily.